आज के समय में यात्रा करना किसको नहीं पसंद है। अगर वो यात्रा ट्रेन से हो तो और भी मजेदार हो जाती है। ट्रेन से यात्रा करना लोगों को कितना पसंद है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन के अंदर बैठ के बाहर के नज़ारे को देखने की बात ही कुछ अलग है और चलते हुए ट्रेन के दरवाजे से झांकने की मजा ही तो कुछ अलग है। अक्सर ट्रेन की लंबाई 600 से 800 मीटर की होती है, पर दुनिया में कुछ ऐसे भी ट्रेन हैं जिनकी लंबाई मीटर में नहीं किलोमीटर में है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर जाने में कम एक दो घंटे का समय लगता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही ट्रेनों के बारे में जानेंगे जिनकी लंबाई दुनिया के सबसे लंबे लंबे ट्रेनों में आती है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। नंबर एक, इंडियन रेलवे। भारत में रहने वाली इस ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। कोरोना काल में भारत के ज्यादातर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। भारतीय रेलवे ने इसी बात का फायदा उठाते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी समय में इंडियन रेलवे ने 295 बोगियों को जोड़कर 5 इंजन के मदद से 3.5 किलोमीटर लंबा ट्रेन तैयार कर लिया। इसे भारत का सबसे लंबा ट्रेन भी माना जाता है। जब पहली बार इस ट्रेन को पटरी पे चलाया गया तो इतने लंबे ट्रेन को देख के लोगों के होश उड़ गए। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना लंबा ट्रेन भी हो सकता है। इस ट्रेन को चलाने के लिए 5 इंजन को लगाया गया और पांचों इंजन एक आपस में अच्छे तरीका से काम करे इसके लिए इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल से जोड़ा गया। भारतीय रेलवे के इस ट्रेन का नाम वासुकी है। इससे पहले भी भारतीय रेलवे ने एनाकोंडा और शेषनाग जैसे लंबे लंबे ट्रेनों का निर्माण किया था। नंबर दो, ब्लेटिन आयन और ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली इस ट्रेन की लंबाई पूरे 7.2 किलोमीटर है। ये ट्रेन भारत में चलने वाली मालगाड़ी से 10 गुना बड़ा होता है। एक बार में 82 मैट्रिक टन से भी ज्यादा सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। इस ट्रेन में 402 डिब्बे मौजूद हैं और वक्त आने पे इन डिब्बों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पे डिब्बों की संख्या 700 से ज्यादा भी किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इतने लंबे ट्रेन को खींचने के लिए कितने इंजन की आवश्यकता पड़ती है और इसमें कौन सी इंजन की प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि इतने लंबे ट्रेन को खींचने के लिए कोई भी इंजन नहीं होता। जी हाँ, कोई भी इंजन नहीं होता। इसे खींचने के लिए 8 जनरल डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है और इस ट्रेन को खींचने के लिए केवल एक ड्राइवर होता है जो 300 घंटों का सफर तय करके इसे अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। इसका वजन ज्यादा होने के कारण रफ्तार थोड़ा कम हो जाता है, पर यकीन माने इतने लंबे ट्रेन को पटरी पे चलते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा। नंबर तीन, द रियो टिंटो रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के एक खदान के नाम से पड़ा है, जिस खदान का नाम रियो टिंटो है और इस खदान का अपना पर्सनल रेलवे स्टेशन है जिसका नाम रियो टिंटो है। ये एक प्रकार की मालगाड़ी है जिसका इस्तेमाल सवारी के लिए नहीं, खदान के वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इस रेलवे में ऐसा कोई भी ट्रेन नहीं है जो 2 किलोमीटर से नीचे का हो। नंबर चार, सिसेन सलादी ट्रेन। साउथ अफ्रीका में रहने वाला ये ट्रेन दुनिया के सबसे लंबे ट्रेनों में से एक है। जी हाँ, इस ट्रेन की लंबाई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि इसे खींचने के लिए कितने इंजन की जरूरत पड़ती है, तो हम आपको बता दें कि 4 मजबूत इलेक्ट्रिक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेन में लगभग 1100 से 1200 डिब्बे लगे होते हैं। अगर आप इस ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे। नंबर पाँच, शेषनाग ट्रेन। भारतीय रेलवे में दूसरे नंबर में आने वाला ये ट्रेन 2.8 किलोमीटर लंबा है। 2020 में पहली बार इसे पटरी पे उतारा गया था। इसे चलाने के लिए 4 बड़े मजबूत इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुल 261 डिब्बे लगे होते हैं। ये थी दुनिया की सबसे लंबी लंबी ट्रेनें, पर आपको बता दें कि इनका इस्तेमाल सवारी ढोने के लिए नहीं होता, केवल सामान ढोने के लिए होता है। पर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।